सोमवार को छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश ने निजी स्कूलों की भारी फीसों, मनमानी लूट, फीस वृद्धि पर रोक लगाने और गैर कानूनी फीस वसूलने का विरोध करने वाले अभिभावकों की स्कूल प्रबंधनों द्वारा मानसिक प्रताड़ना के खिलाफ उच्चतर शिक्षा निदेशालय शिमला के बाहर विरोध प्रदर्शन किया व जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान मंच का प्रतिनिधि मंडल अतिरिक्त निदेशक उच्चतर शिक्षा नीरज गुप्ता से मिला और उन्हें 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। उन्होंने निजी स्कूलों की लूट व मनमानी पर रोक लगाने के लिए तुरंत अधिसूचना जारी करने का आश्वासन दिया। मंच ने चेताया है कि अगर निजी स्कूलों की मनमानी, लूट, भारी फीसों, फीस वृद्धि व तानाशाही पर रोक ना लगी तो आंदोलन तेज होगा। आज से 10 दिन पहले भी हम यहीं पर आए थे और आप सभी को मालूम है कि उस दिन भी एक प्रदर्शन हमने किया था और ये मांग की थी कि कोरोना काल में जिस तरीके से निजी स्कूलों की मनमानी लगातार जारी है, वो लूट कर रहे हैं, भारी फीसें वसूल रहे हैं, भारी फीस बढ़ोतरी की जा रही है। आप सबको मालूम है कोरोना काल में भी 2 वर्षों में 14% से लेकर 50% जो है फीस बढ़ोतरी की गई है। आपने अनेकों उदाहरण देखे, दयानंद स्कूल का देखा, सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल के अंदर आपने देखा, शिमला के अंदर जो दूसरे स्कूल हैं और जगह जगह पर नालागढ़ के अंदर, बद्दी के अंदर, कांगड़ा के अंदर, मंडी के अंदर, सब जगह इस तरीके की भारी मनमानी और लूट चल रही है। इसके खिलाफ जो है लगातार हम इस बात की मांग करते रहे हैं कि इसके लिए कानून और रेगुलेटरी कमीशन स्थापित होना चाहिए, लेकिन सरकार जो है इस विषय पर आगे नहीं बढ़ती है। फौरी राहत हमने ये मांगी थी कि कोरोना काल में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से रोजगार चला गया है, तो ऐसे समय में केवल जो है ट्यूशन फीस जो है ली जानी चाहिए। और इस बात को लेकर जो 2019 में एक निर्णायक आंदोलन हुआ था यहाँ पर छात्र अभिभावक मंच के बैनर तले, उसके बाद 5 दिसंबर 2019 को एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि कोई भी फीस बढ़ोतरी बगैर जनरल हाउस के नहीं हो सकती है। तो जब स्कूल चले ही नहीं 2020 में और 21 में, बच्चे स्कूल नहीं गए तो पेरेंट्स भी नहीं गए, जनरल हाउसेज हुए नहीं तो फीस बढ़ोतरी कैसे हो गई। तो जो सरकार की अपनी अधिसूचना है, शिक्षा विभाग की अपनी अधिसूचना है कि फीस बढ़ोतरी नहीं हो सकती है, बावजूद इसके कि कोरोना में लोगों का रोज़गार गया, बहुत सारी दिक्कत में जो है पब्लिक है, इसके बावजूद जो है फीसें बढ़ाई जा रही हैं और 50% तक जो फीस बढ़ोतरी हुई है। इसी बात को लेकर जो आज हम यहाँ पर आए हैं, सुझाव हमने दिए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 5 मार्च को जब विधानसभा के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, मुख्यमंत्री से हम मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, और उसके 14 दिन बाद जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें 4 जो प्रमुख मंत्री हैं कैबिनेट के, वो इस बात पर अड़ गए कि अभी जो है कानून लाने का सही वक्त नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि उनके भी अपने स्कूल चलते हैं, कईयों के रिश्तेदारों के स्कूल चल रहे हैं, कईयों के चहेतों के स्कूल चल रहे हैं या उनके रिश्तेदारों के स्कूल चल रहे हैं। तो ये कानून का प्रारूप तो अब मोटे मोटे रूप में बन चुका है, पब्लिक डोमेन में आ चुका है, उस पर सुझाव भी हो चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि उन सारे सुझावों को समाहित करते हुए जो अभी अगला विधानसभा सत्र आएगा उसमें पूर्ण रूप जो इस कानून को दिया जाए। अगर ये नहीं होता है तो पिछली बार जब हमने 5 मार्च को विधानसभा का घेराव किया था तो निश्चित तौर से उस लाइन पर हम आगे बढ़ेंगे और आंदोलन को जारी रखेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि इस कानून को वो लाए और जो प्रदेश के अंदर जो निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो उनके अभिभावक हैं उनको राहत प्रदान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।